दोस्तों, कभी ना कभी आपने ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होगी कि आप जब भी कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं तो वो ऑटो करेक्ट हो जाता है, अपने आप उसका वर्ड चेंज हो जाता है। तो उसके क्या सॉल्यूशन है, मैं आज आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो सबसे पहले आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या हाल है आपके, मैंने लिखा क्या हाल है आपके, इसने लिख दिया कौला हाल हेयर आपके, तो उसने खुद ऑटो करेक्ट कर दिया। वैसे ये किस काम आता है, ये इंग्लिश वर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैं इंग्लिश कोई वर्ड लिखता हूँ, जैसे इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, ये मेरा सही वर्ड है। अब मैं इसको गलत करके लिखता हूँ, ENGLESH, अब मैं स्पेस दूंगा तो ये अपने आप सही कर देगा, ये ऑटो करेक्ट कहलाता है। तो इसी को हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग में अपने फ़ोन की। सेटिंग में जाने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर नीचे एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है लैंग्वेज इनपुट के अंदर, और लैंग्वेज इनपुट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ से अपना कीबोर्ड देखना है। तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो जी कीबोर्ड होता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है जी बोर्ड पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा टेक्स्ट करेक्शन पे, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे यहाँ करेक्शन पे, तो यहाँ जो ऑटो करेक्ट है इसको डिसलेक्ट कर देंगे। बस आपका काम हो गया पूरा। अब मैं बैक जाता हूँ वहाँ पर। अब मैं आपको यही चीज़ टाइप करके दिखाता हूँ दोबारा। मैं ये लिखता हूँ, क्या हाल है आपके। तो देखो दोस्तों, अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरी पुरानी वीडियो देखने के लिए चैनल के अंदर जाएं, और मेरे पास बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आपको और नॉलेज ले सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हाउ टू टेक जी चैनल को। थैंक यू सो मच।